जय श्री राम मित्रों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के उपाय के बारे में जानकारी देते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि आपके घर का सर्वंट रूम कैसा हो। दोस्तों, नौकर चाकर भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। ये प्रथा वैदिक काल या उससे भी पहले से चली आ रही है। आजकल के हालातों को देखते हुए नौकरों की ज़रूरत पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गई है और हम उन पर ना चाहकर भी आश्रित हो गए हैं। खासकर ऐसे परिवार में जहां दोनों दाम्पत्य काम करने बाहर जाते हैं और बच्चे नौकरों की पनाह में रहते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है कि नौकरों को आराम करने के लिए एक अलग कमरा दिया जाए, जिससे वो मन लगाकर अपने काम पर ध्यान दे सके और पूरी निष्ठा से आपके परिवार की देखरेख कर सके। आइए अब देखते हैं सर्वंट रूम वास्तु के अनुसार किस दिशा में बनाना चाहिए। क्या आपने अपना घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, मगर फिर भी आपको मनचाही सफलता, सुख समृद्धि, धन संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। अब घर हो या फ्लैट, ऑफिस हो या दुकान, अब हर वास्तु दोष होगा दूर। आज ही लगाइए वास्तु दोष निवारण सिद्ध हनुमान पोटली और अपने जीवन में मनचाही सफलता एवं धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि पाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ऑर्डर करें मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी के साथ। सर्वंट रूम जो है वो घर के पश्चिमी भाग में बनाना बहुत शुभ माना जाता है। ये दिशा नौकरों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है, क्योंकि ये हिस्सा ना तो अधिक कमज़ोर होता है ना ही अधिक शक्तिशाली होता है। इसके विपरीत दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप नौकरों का कमरा बनाते हैं तो यह बहुत मजबूत होता है। उसी तरह उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ अगर आप नौकरों का कमरा बनाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपके घर के नौकरों का कमरा सिर्फ पश्चिम भाग में ही बना हो। यदि घर के उत्तर पूर्व स्थान में नौकरों का कमरा बनाया हुआ है तो इससे आपके घर के नौकर ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं। इससे परिवार के लोग नौकरों के साथ लंबे अरसे के बेहतर संबंध बनाने में असफल रहते हैं। याद रखिए, गैरेज में नौकरों का कमरा तभी बना सकते हैं यदि गैरेज उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित हो। इसके अलावा कभी भी नौकर को अपने घर के रसोई में ना सुलाए, इससे वास्तु दोष का उत्पन्न होना तय माना गया है। अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा के बेडरूम को कभी भी नौकरों को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर वह आपके भाग्य में बराबर का हिस्सेदार बन जाता है और धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी नौकरों के रूम के बारे में, यानी सर्वेंट रूम के बारे में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।